अनुच्छेद दो क्या कहता है सुनिए। अनुच्छेद दो का एफर्ट यह है सीधा सीधा कि भारत की संसद के पास यह शक्ति है कि भारत की संसद, अब संसद आपको याद आ गया होगा, ज्यादा मजबूत कौन हो गया, सेंटर, कि वो भारत में नए राज्यों का प्रवेश या गठन कर सकती है और वो चाहे तो किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारत, पीछे ये लिखना बहुत जरूरी है क्या, संघ, इंडियन यूनियन में शामिल कर सकती है। तो ये पावर किसके पास है, संसद के पास। लेकिन संसद ये जो भी करेगी ना, एक्ट बनाकर, अधिनियम बनाकर, कानून बनाकर, बिना कानून बनाए पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती। कानून बनाकर संसद किसी भी नए राज्य का भारत में प्रवेश कर सकती है, फॉर एग्जाम्पल सिक्किम, फॉर एग्जाम्पल कौन सा हो गया, सिक्किम। सिक्किम 1975 में भारत में शामिल हो गया। सिक्किम ने कई तरह की कंडीशन रखी, सिक्किम के शामिल होने के पीछे कुछ शर्तें भी थी, और हमने केवल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को ही स्पेशल कैटेगरी के स्टेट का दर्जा नहीं दिया। 371 में हमने बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनको भी विशेष राज्य का दर्जा दे रखा है, और उन्हीं विशेष राज्यों की कैटेगरी में कई ऐसे स्टेट है, उसमें से एक सिक्किम भी है। अब सिक्किम की विशेष राज्य की स्थिति क्या है सुनिए, आप सिक्किम में जाके जमीन नहीं खरीद सकते, और जो सिक्किम का मूल निवासी है वही सिक्किम की जमीन का हकदार है। सिक्किम छोटा सा है, उसने अलग से कहा कि भाई मुझे अपना लेजिस्लेशन, अपना एग्जीक्यूटिव, अपना जुडिशरी चाहिए। हम किसी नए राज्य में के फॉर्म में इंडिया में आ तो जाएंगे, लेकिन किसी राज्य की सीमाओं के साथ हमें अटैच करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम कहीं ऐसा नहीं कि आप हमें गुवाहाटी के अंदर या सिक्किम असम के अंदर या फिर किसी और स्टेट के अंदर या फिर वेस्ट बंगाल के अंदर साथ डाल दो, क्लियर है। तो हम एक अलग से स्टेट के फॉर्म में रहेंगे, हमारी खुद की अलग से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होगी, और हमारे खुद के अलग से कुछ सिविल राइट्स होंगे, हमारे कुछ ऐसे अधिकार होंगे जो हमारे नागरिकों के लिए होंगे। भाई हमारा नागरिक भारत का नागरिक, हमारा राज्य पूरी तरह से भारत के अंदर, हम भारत के अंदर आ जाएंगे। और सिक्किम ने अपनी तरफ से इच्छा जताई थी शामिल होने की, भारत ने उसको शामिल कर लिया। इंदिरा गांधी की सरकार थी, हमने सिक्किम जैसे क्षेत्र भारत में शामिल किए और पाकिस्तान जैसे देशों को तोड़कर बांग्लादेश भी बनवाया। तो इंदिरा गांधी के शासन का ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है, लोग इसको उपलब्धता के तौर पर बताते भी है, जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो कहते भी है कि इस तरह से हमने चीज़ों को भारत में थोड़ा सा और नए फेज में डेवलप करवाया, हमने नई चीज़ें भारत में शामिल की और हमने ऑलरेडी पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को तोड़ने का काम किया। तो ये उनकी उपलब्धता में भी आता है, उनके अचीवमेंट्स में आता है, लेकिन ये बात जाननी जरूरी है कि पावर हमारी किसके पास है, संसद के पास। यदि आप 371 में हिंदी में जाके च ए बी सी डी ई एफ, तो शायद एफ के आसपास जब जाओगे तो सिक्किम को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे राज्यों के क्या है, स्पेशल राइट्स है, समझ में आ रही बात। तो सिक्किम को विशेष राज्य का भी दर्जा है, और सिक्किम को चूंकि राज्य बनाया तो राज्य सूची के सभी विषयों पर उसे कानून बनाने का क्या है, अधिकार है। सिक्किम की अलग से सारी व्यवस्थाएं हैं, क्लियर है। तो ये सारे अधिकार भारत के किसके पास है, संसद के पास, ठीक है। संसद अधिनियम बनाकर किसी भी नए राज्य का भारत में प्रवेश या गठन कर सकती है और किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारत संघ में शामिल कर सकती है। किसका अधिकार है ये, संसद का। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 3 भी मजेदार अनुच्छेद है, बस ये थोड़ा सा अंदरूनी तौर पर है। ये क्या कहता है, फिर से किसके पास ये शक्ति है, संसद, भारत की संसद के पास ये शक्ति है कि, क्या शक्ति है कि, दोबारा बोलूंगा, क्या बनाकर, एक्ट, अधिनियम या कानून बनाकर क्या कर सकती है, भारत में किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र इत्यादि में परिवर्तन कर सकती है, और संसद चाहे तो नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है, यानी किसी राज्य को तोड़कर नया राज्य बनाना, नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या फिर कुछ राज्यों के कुछ कुछ क्षेत्रों को मिलाकर नया राज्य बनाना।
जैसे आपको आइडिया हो, बहुत सारे क्षेत्रों को बनाकर हमने क्या बनाया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। सन 2000 में हमने 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के अंदर से एक नया राज्य बनाया, तेलंगाना। और हमने 31 अक्टूबर 2019 को कश्मीर नाम के राज्य को, जम्मू कश्मीर जिसका पूरा नाम था, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र शामिल था, तो उसमें हमने जम्मू कश्मीर को अलग से यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को एक और नई यूनियन टेरिटरी के रूप में डेवलप कर दिया। 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, किसमें से, जम्मू कश्मीर में से, उसे राज्य के दर्जे से हटा के यूनियन टेरिटरी के स्टेटस में डाल दिया। क्लियर है? और ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। ठीक है, संसद चाहे तो राजस्थान का नाम बदला जा सकता है, राजस्थान का सीमा बदला जा सकता है, राजस्थान की सीमा से कुछ, जैसे गंगानगर के आसपास इस तरह की सोच है कुछ लोगों की कि गंगानगर हनुमानगढ़ पंजाब जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना पूरा एक एरिया डेवलप करके और उसे पंजाब के साथ शामिल कर लिया जाए, उसे खालिस्तान जैसा कोई नाम दे दिया जाए। हालांकि ये सोच सही तो नहीं है, लेकिन ऐसी सोच है। तो अलग अलग अप्रोच में लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, तो कल को भारत की संसद को ये लगे कि नहीं ठीक है ये पूरा एरिया, कल को हरियाणा के आसपास के कुछ एरिया या फिर गुजरात के आसपास के एरिया को मिलाकर, थोड़ा गुजरात थोड़ा राजस्थान सब मिला के एक नया स्टेट डेवलप कर दिया जाए, तो ये पॉसिबल है। जैसे क्या बने, एमपी और उड़ीसा के आसपास का कुछ बेल्ट निकाल के, यदि एमपी के आसपास सॉरी, तो क्या बना, छत्तीसगढ़। यूपी के आसपास का थोड़ा बेल्ट निकाल के क्या बना, उत्तराखंड। और बिहार के आसपास का बेल्ट निकाल के क्या बना दिया, झारखंड। तो संसद चाहे तो ऐसा कर सकती है, किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र इत्यादि को बदल सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है और नए राज्य का निर्माण कर सकती है। अब नए राज्य का निर्माण कैसे होता है, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे, थोड़ा ऐसे समझ लो आप कि ये राजस्थान है। अब राजस्थान में हम क्या चाहें कि राजस्थान के अंदर से, जैसे राजस्थान के अलावा एक राज्य का एग्जांपल ले ले, कौन सा, यूपी। अब कुछ लोग इस बात को बहुत अच्छे से भली भांति जानते हैं कि यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है और यूपी में एक चीफ मिनिस्टर होना लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यूपी को तोड़ा जा सकता है और यूपी में ऐसे नए राज्यों का निर्माण किया। बीच में एक ऐसी रिपोर्ट भी आई थी कि यूपी के अंदर से इतने राज्य बनाए जाएंगे, कितने, 7। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि यूपी को तोड़कर उसमें से कितने राज्य बने, 7। तो 7 राज्य बनेंगे, यदि उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुख्यमंत्री की जगह कितने मुख्यमंत्री होंगे, 7। तो ये कोई छोटी अप्रोच नहीं थी। अब इसके लिए जब मान लो ऐसा कुछ किया जाए तो क्या होगा, इस तरह की टास्क की शुरुआत कौन सी जगह से होगी, संसद। क्या करेगी संसद, संसद इस तरह के प्रस्ताव को लेकर आएगी, उस प्रस्ताव पर विचार करेगी और संबंधित राज्य में भेज देगी। संबंधित राज्य कौन सा है, यूपी। यूपी से केवल एडवाइस ली जाएगी, क्लियर है, और उसे एक टाइम लिमिट दी जाएगी। अब यूपी कहेगा कि मेरी टाइम लिमिट बढ़ाओ, तो टाइम लिमिट को बढ़ाना भी संसद पर ही निर्भर है या राष्ट्रपति पर निर्भर है। अब यूपी उस टाइम लिमिट के अंदर कोई एडवाइस देता है तो पार्लियामेंट की मर्जी है उस एडवाइस को माने या ना माने। तो इसका मतलब किसी भी नए राज्य के निर्माण में अंतिम प्राधिकार किसका है, संसद का। यानी कोई भी नया राज्य बनाने का अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। क्लियर है? और पार्लियामेंट इस तरह से नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो ये पूरी तरह से व्यापक अधिकारों के तौर पे संसद का प्रिविलेज, मान लो आप, विशेषाधिकार है कि वो नए राज्यों का भारत में गठन कर सकती है, राज्यों की सीमाओं से। कहां से, राज्यों की सीमाओं से। इस तरह की सोच जो है कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है, 3। तो देखो रिपीट करते हैं, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो भारत और इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत या इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। उसके बाद दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अधिनियम बनाकर भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या गठन कर सकती है और किसी भी बाहरी क्षेत्र को शामिल कर सकती है। किसके पास ये पावर है, पार्लियामेंट के पास, लेकिन क्या बनाकर, अधिनियम बनाकर। अनुच्छेद 3, संसद के पास ये शक्ति है कि वो अधिनियम बनाकर भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र इत्यादि को बदल सकती है और उनमें से किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। लेकिन देखो अब अनुच्छेद 4 बहुत ही
रोचक है। चार क्या कहता है कि ये जो भी बातें आप सुन रहे हो दो और तीन में, अनुच्छेद दो और अनुच्छेद तीन में कौन परिवर्तन कर रहा है? संसद। इधर ध्यान देना, संसद जो भी परिवर्तन करेगी, परिवर्तन को मतलब कहीं कहीं हम ये शब्द भी यूज कर सकते हैं, क्या संशोधन करेगी, कर सकती है, करेगी, वो परिवर्तन सिंपल मेजोरिटी से होगा। कौन सी मेजोरिटी से? उसके लिए आर्टिकल 368 की आवश्यकता नहीं है। मतलब ऐसे परिवर्तन साधारण बहुमत से हो सकते हैं, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब आर्टिकल 368 की आवश्यकता नहीं है। तो देखना, संविधान में, कानून में परिवर्तन भी हो जाएगा और संविधान की पाठ लेसन में कोई चेंजेज नहीं होगा, क्योंकि संविधान का यदि लेसन बदलेगा तो उसके लिए इस तरह की नंबरिंग आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 105, 104, 106, अभी तक कितने अमेंडमेंट हुए? 105। तो ये दो और तीन में जो भी परिवर्तन आप कर रहे हो इसके लिए इस तरह की नंबरिंग देने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? मतलब इसके लिए संसद जो भी परिवर्तन करेगी, जो भी संशोधन करेगी, वो कौन से बहुमत से हो जाएगा? साधारण बहुमत से। और संविधान संशोधन तीन तरीकों से होता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों का समर्थन। तो यहां सिर्फ साधारण बहुमत से हो जाएगा, 368 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अनुच्छेद दो और तीन में, यानी किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र बदलना, नए राज्य का निर्माण करना, बाहरी क्षेत्र को भारत संघ में शामिल करना, ये सब पार्लियामेंट किस तरीके से कर सकती है? साधारण बहुमत से। इसके लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? संविधान संशोधन प्रक्रिया जो 368 में लिखी हुई है उसकी आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेज आज तक हो चुके हैं, उसके लिए कोई नंबरिंग देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन एक बात यहां से समझनी है, वो बहुत जरूरी है। यदि किसी क्षेत्र को भारत संघ में लाना हो तो इस बहुमत से हो जाएगा, लेकिन भारत नाम के अखंड देश से किसी क्षेत्र को बाहर देना हो तो फिर आर्टिकल 368 की आवश्यकता पड़ेगी, जो इसमें नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखना है। किसी क्षेत्र को भारत में लाना हो, किसी क्षेत्र को भारत में लाना हो, या भारत के अंदर कोई राज्य नाम सीमा इत्यादि बदलनी हो तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। लेकिन बीच में हमने सोचा बेरुबारी किसको देना है? पूर्वी पाकिस्तान को। फिर हमने ये सोचा कि लगभग 51 ऐसे एनक्लेव है जो हमें किसको देने हैं? बांग्लादेश को। ये देने हैं पूर्वी पाकिस्तान को, तो इसके लिए हमने 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब किया? 1960। और बेरुबारी किसको दे दिया? पूर्वी पाकिस्तान को, ठीक है। और इसके लिए हमने क्या किया? 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अभी मोदी सरकार ने किया, और ये हमने किसको दिया? बांग्लादेश को। 111 एनक्लेव किसको दिए? बांग्लादेश। और 51 एनक्लेव बांग्लादेश से हमने लिए। ये बात अच्छी बात है, आपको याद है, क्लियर है। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो सवाल नंबर वन, अनुच्छेद एक क्या कहता है? भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या भारत के लिए कोई हिंदुस्तान, भारतवर्ष जैसे शब्दों का प्रयोग है? नहीं। क्या भारत कॉन्फेडरेशन है? नहीं। क्या भारत फेडरल है? नहीं। तो भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। केवल यूनियन वर्ड भी अच्छी बात नहीं। हमने हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स का सिस्टम कहां से लिया? कनाडा से, क्योंकि हमने केंद्र को मजबूत रखा और कंपैरेटिव राज्य कमजोर है। यानी केंद्र चाहे तो राज्यों के ढांचे को बदल सकता, इसलिए हमने हमारे सिस्टम को नाम दिया यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरल वर्ड आपको कहां मिलेगा? अमेरिका। कहां मिलेगा? अमेरिका। और कॉन्फेडरेशन? सोवियत। क्या सोवियत संघ आज के टाइम में है या टूट चुका है? टूट चुका है। क्या भारत की पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो अपने टेरिटरी में किसी नए क्षेत्र को शामिल कर सकता है? बिल्कुल है, अपनी टेरिटरी में, अपने यूनियन में नए क्षेत्र को शामिल कर सकता है और किसी नए राज्य का प्रवेश या गठन कर सकता है। अनुच्छेद दो। कौन सा अनुच्छेद है? दो।
लेकिन इस फॉर्म के लिए या इस टास्क के लिए पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ेगा, और वो भी कौन से बहुमत से? साधारण बहुमत से। भारत की संसद चाहे तो अधिनियम बनाकर किसी भी नए क्षेत्र को शामिल भी कर सकती है, गठन भी कर सकती है, सीमा नाम क्षेत्र बदल सकती है और नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो दो के बाद अगला अनुच्छेद है 3, और यह सब काम जो भी होगा 4 में लिखा हुआ है साधारण बहुमत से होगा, न कि आर्टिकल 368 से। इस तरह की बातें आपको जाननी है, ये सवाल आपको पूछे भी जाते हैं, समझ में आ रही बात? तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, पहले हमें इनको लिखना है। फिर अगला टॉपिक हमारा इसी से जुड़ा हुआ है, राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, उसे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सा राज्य कब कब बना, कब कब पार्लियामेंट ने ऐसे चेंज किए। क्लियर है?